कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे गांधी के गढ़ में प्रत्याशी कौन। कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे। ये चर्चा लोग कहेंगे कि बहुत पुरानी हो गई है, कि भाई तो सबको पता है कौन लड़ेगा कौन नहीं, लेकिन फिर वही बात। लेकिन अभी तक सिर्फ चर्चा हो रही थी। गांधी परिवार का जब नाम आता है कि अमेठी रायबरेली जो कि उनका गढ़ रही है, हम उन्हीं चर्चाओं पर चर्चा करने आए हैं। कि सिर्फ चर्चा ही हो रही है कि लड़ेंगे, कल एक और चर्चा हुई, आज सुबह सारे न्यूज़ चैनलों ने उसे चलाया। सूत्रों के हवाले से खबर, गांधी परिवार ही अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। और लगातार लोग कह रहे हैं अगर लड़ेगा तो भाई ऐलान कर दीजिए, नेताओं को बताना पड़ेगा, वरना कोई पैराशूट आपने दे दिया तो उसको बैग में भरते भरते बड़ा मुश्किल होता है। पैराशूट जब खुल जाए फिर उसको बैग में भरना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जब इस लहर में जहां अमेठी से खुद ही राहुल गांधी हारे हो, अब एक नई खबर ये आई कि वायनाड में जब चुनाव हो जाएंगे फिर अमेठी डिसाइड किया जाएगा, तो अभी भी सिक्योर नहीं माना जा रहा है। भाई राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और काफ़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, कई बार के सांसद हैं, और अब पार्टी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि भाई क्या है। लोकल बॉडी ने कह दिया कि गांधी परिवार ही मंजूर, उससे नीचे कोई नहीं मंजूर। आज कहीं मैं देख रहा था कि कह रहे थे कि रायबरेली से आप लड़ा दीजिए प्रियंका गांधी को, और दूसरे अमेठी से आप लड़ा दिया राधना मिश्रा मुना को, बात ही खत्म। हमने कहा हमारे हाथ में तो नहीं है ये सब चीज़ें। लेकिन आज दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी, जिन्होंने 2019 का चुनाव राहुल गांधी को हराया था, वो वायनाड भी गई और वहां पे भी उन्होंने बात कही, जब हम अमेठी में हरा सकते हैं तो आप भी यहाँ हरा सकते हैं। आज दोनों जगह पहुंची और उन्होंने क्या क्या कहा ये सुन लेते हैं। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया, जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी। जिसने अमेठी को त्यागा वो अमेठी में कभी फल फूल नहीं पाएगा। देखिए, मैं पुनः आपसे कहती हूँ, उनकी अंदरूनी कला का एक विषय उजागर हुआ है जहाँ पर लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग ही, कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए। कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो रहा है। मैं इतना ही कह रही हूँ कि जहाँ पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना निजी चुनाव लड़ने के लिए आतंकवादी संगठन का सहयोग ले रहे हैं खुलेआम, जो हिंदुओं के कत्ल की सूची बना रहे हैं, तो क्या आपको आश्चर्य है कि उनके गठबंधन में ऐसे और नेता हैं? पीएमके का समर्थन लेते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को जला रहे हैं, उसका राहुल गांधी समर्थन क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब राहुल गांधी को देश को देना पड़ेगा। मैम, एक वादा और किया था आपने, 13 रुपए किलो चीनी। तो भाई वादे पूछे जा रहे थे लेकिन सांसद महोदया कहीं चली गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक जवाब जरूर दिया कि राहुल गांधी वायनाड में एक ऐसे संगठन या ऐसी पार्टी का साथ ले रहे हैं
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन, जो संविधान उन्होंने लिखा, उसे जलाने का काम किया जा रहा है। संविधान की बात विपक्ष भी कर रहा है और पक्ष भी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह माना जाए कि संविधान अब खतरे में लग रहा है, जिस हिसाब से चुनाव आ गए हैं। इस चुनाव में आपको ये देखने को मिलता रहेगा कि भाई कोई एक तरफ तो कोई दूसरी तरफ बार बार संविधान का नाम लेकर या तो विपक्षी दलों पर हमलावर होगा या पक्ष संविधान को ये दिखाकर उनसे बात करना चाहेगा कि भाई संविधान में इस तरीके की चीज़ें हैं और आपकी सरकार उनसे नहीं कर रही है। खैर, ये चर्चा दूसरी तरफ ना जाते हुए फिर से आते हैं कि भाई गांधी परिवार को इतना सोचने की ज़रूरत क्या है। जब इंदिरा गांधी ने, ये अमेठी लोकसभा बनती है और यहाँ से भेजा जाता है संजय गांधी को, तो संजय गांधी भी पहला चुनाव हार गए थे और उसके बाद मेहनत की। आप हार कैसे, हार मानी नहीं उन्होंने, उन्होंने उस अमेठी को कौन ही समझ रहा था, जानता ही नहीं था लोग, तो बहुत लोग उस समय के लोग बताते हैं, लेकिन मेहनत करी और जीते। और इसी तरीके से राहुल गांधी के लिए और प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी की बात चली कि पहले वो प्रयागराज से लड़ेंगी, फिर बात चलती है कि भाई वो मुरादाबाद से लड़ सकती है ससुराल से अपनी, ऐसा उन्होंने कहा भी कि मैं तो अपनी ससुराल आई हूँ। फिर बात आई कि दिल्ली से किसी सीट से लड़ सकती हैं। जब तक सब कुछ ठीक था हिमाचल में राज्यसभा वोटिंग से पहले, तो ये भी बात आई कि भाई मंडी से चुनाव लड़ सकती हैं, राज परिवार उन्हें चुनाव लड़ाएगा, क्योंकि एक बहुत लंबा समय वो वहाँ देती हैं, उनका घर अरबी बना हुआ है वहाँ पर। लेकिन सिर्फ चर्चा ही होती रही और दल पहले चरण के उसमें पहुँच गए हैं लगातार बैक टू बैक। अगर पक्ष के दलों की बात मैं करूँ, मान लीजिए एनडीए गठबंधन की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हम बात करें, ये कहीं ना कहीं उस वो दूसरे फेज के चुनाव में लग गया है और लगातार बड़े बड़े नेताओं की रैली कर रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है, जब वहां का कार्यकर्ता, वहां की जनता आप दोनों को बुला रही है कि आप लड़िए यहां से चुनाव, तो उन्हीं का मान रख लीजिए, आइए लड़िए चुनाव। सिर्फ चर्चा होती है, हर 10-15 दिन में एक बार चर्चा होती है, सूत्रों के हवाले से खबर, गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा। सीधे आपको ले चलेंगे एमपी के सीहोर, वहां राहुल गांधी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। दलितों के पास क्या है, आदिवासियों के पास क्या है, पिछड़ों के पास क्या है, अब इसमें गलती क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी से डर क्यों रहे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को उनका हक मिले। ये नहीं चाहते कि सच्चाई हिंदुस्तान के 90% लोगों के सामने आ जाए कि इन संस्थाओं में आपका तो कोई है ही नहीं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई है ही नहीं, और जो पहले आपके पास था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते थे, जहां आपको परमानेंट जॉब मिलता था, उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सारे के सारे पीएचयू अदानी जी को पकड़ाते जा रहे हैं। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं, 4 युवाओं को लेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, वो चाइना। महत्वपूर्ण बातें कुछ कही कि भाई जो पीडीए समाज है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनकी बातें कहने वाला कौन है सरकार में? जो गरीब समान वर्ग का परिवार है उसका क्या कहने वाला कौन है? और फिर से जो लगातार 6 सालों से राहुल गांधी कह रहे हैं, उसको आज ही बहुत मुखर तरीके से उन्होंने
स्टेज पर, मंच पर ये बात कही कि भाई सारी चीज़ें अडानी को दी जा रही हैं, तमाम मुद्दे आए गए, लेकिन राहुल गांधी ने जो पूंजीपतियों उद्योगपतियों के खिलाफ बोलना था वो अभी भी जारी है उनका, और लगातार उस पर हमलावर हैं। चर्चा करेंगे अनीस अंसारी, बीजेपी नेता हैं, हमसे हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चारू मल्होत्रा हैं, कांग्रेस नेता, वो भी जुड़े हैं। सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता है, आपका सबसे पहले सुरेंद्र दुबे सर के पास ही चलेंगे। सर सिर्फ चर्चा होती है कि भाई आज फिर पेपर खोला गया और फिर ये चर्चा आई कि गांधी परिवार ही अमेठी रायबरेली से लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जब इतना वहाँ की जनता कह चुकी है, दिल्ली तक वहाँ प्रियंका गांधी से कहा कि आप रायबरेली से लड़िए, चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई राजस्थान से, अमेठी में भी उन्होंने कहा कि आप लड़िए हम आपके साथ हैं, उसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों नहीं हो रहा है कि पब्लिक पे भरोसा नहीं है, सर्वे करा लिया है, दिक्कत कहाँ आ रही सर? देखिए बात दिक्कत की नहीं है, बात हर पार्टी के अपनी स्ट्रेटजी की होती है। उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई एक बार हम हार चुके हैं तो उसको हर तरह से ठोक बजा के देख लिया जाए कि क्या राहुल गांधी का लड़ना वहां से ठीक रहेगा। इसके लिए उन्होंने कई सर्वे भी कराए, तमाम लोग आए गए और अब उनको एक रिपोर्ट मिली कि नहीं नहीं वो उनको राहुल गांधी यहाँ जो कांग्रेसी हैं वो पूरी तरह चाहते हैं, और अमेठी क्या मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी चाहते हैं कि नहीं इनको राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए। अब एक खबर आई है कि साहब वो इसलिए प्लान किया गया कि पहले वायनाड का चुनाव निपट जाए। अब ये किसी नेता ने नहीं कहा है, ये हम लोगों का अपना अनुमान है, कैलकुलेशन है, सूत्र। वो सूत्र जिनका कोई सूत्रधार नहीं होता है, तो जब हम हमारी नैया फंस जाए मझधार में तो हम कोई सूत्रधार स्वयं बना लेते हैं और उसको गुणा प्लस माइनस करके इस नतीजे पहुंच जाते हैं कि ऐसा राहुल गांधी ने सोचा होगा। देखिए जब हम राहुल गांधी बात करें अमेठी, तो अमेठी रायबरेली दोनों एक ही सीट है समझ लीजिए, क्योंकि एक ही परिवार के लोग लड़ते रहे वर्षों से और तमाम बार ये लोग जीते भी। एक बार नागानी जरूर हार गई थी इमरजेंसी में, संजय गांधी भी हार गए थे इमरजेंसी के दौरान। अब स्मृति ईरानी अपना ठीक है चटकारे ले रही, वहां वायनाड भी पहुंच जाती, यहां से भी हरा देंगे। अब हो सकता है कि अब तो तीन जगह से लड़ने का नियम नहीं है, पहले तीन जगह तक लड़ने का नियम था, वरना तीसरी जगह भी सकता है राहुल गांधी लड़ रहे होते और स्मृति ईरानी पहुंच के कह रहे हो कि हम यहां से रहे, कहने में क्या रहता। एक कहावत है ना, वचनम किम दरिद्रम, भाई आप कहते रहिए। जैसे बीजेपी कहती है हम 400 जीतेंगे, अपने नीतीश कुमार ने कह दिया कि 4000 सीटें जीतेंगे, तो अब हम लोग बहुत परेशान हुए। तो फिर हम लोगों ने इसको पूरा जोड़ घटाना लगा, बता दें कि पूरे 10 साल की करके जब 4000 हो जाए तो वो सब जीत जाएंगे। तो इस तरह की अपना चुनाव है, चर्चा है, उस चर्चे पर कोई खर्चा नहीं होता है, जो भी खर्चा होता है जनता को होता है, और जनता बहुत कंफ्यूजन में है। एक ही मुद्दा है कि भ्रष्टाचार है, बीजेपी कहती है विपक्ष भ्रष्टाचार, विपक्ष बता रहा कि बीजेपी वाले अभी दवा कांड जो हुआ और जो इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रमाण सहित बता दें कि इतने लोगों ने इसमें चंदे के नाम पर घुस ली। परिवारवाद की बात होती तो कहते हैं साहब ये परिवारवादी पार्टियों को हम निपटा देंगे, हरा देंगे, और फिर किसी न किसी परिवार को बीजेपी को टिकट दे दिया जाता है और उस प्रचार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी जाते हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जो जो कह रहा है उसके विरुद्ध ही काम भी कर रहा है। अगर सत्ताधारी दल कह रहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे तो उन भ्रष्टाचारियों की बात नहीं करता जो उसके उसके पास आ गए। सर आप म्यूट हो गए। के लोगों का उज्जवल हो जाता है। अब हमने हाल ही में वॉशिंग मशीन खरीदी एलजी की, हमें पता नहीं था कि कोई ऐसी मशीन भी आती, हम वही एक मशीन खरीद लेते, उसी में लोगों को बुलाते कि आओ मेहमानों, जिस जिसको अपना चरित्र उज्ज्वल बनाना है
जिस जीव को अपने को साफ सुथरा दिखाना आओ, हमारे घर पर मशीन लगी, रिटायर्ड आदमी, कुछ पैसे रुपए की व्यवस्था हो जाती, सुबह शाम तक अपना वॉशिंग मशीन चार, तो पूरा दृश्य जो है मुझे लगता है पूरा इस समय पूरा बहुत बढ़िया फिल्म पूरे देश में चल रही है, आप देखते रहे दिमाग मत लगाइए, फिल्म में भी जैसे दिमाग लगाते हैं ना तो भी कहते हैं ना फिल्म में दिमाग लगा, उन्होंने कहा कि आसमान पे उड़ गए, हीरो ने एक मुक्का मारा, जो विलन था वो जाके आकाश से लड़ गया, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पिक्चर में मजा नहीं आएगा, तो बहुत खूबसूरत पिक्चर चल रही है, सुनिए आनंद लीजिए, आप भी एंकरिंग का आनंद लीजिए, कैसे खुश दौर में आप एंकर हुए हैं, पत्रकार हुए कि आपका भाई बहुत वो, अब हम भी इस दौर में आपके साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं जहाँ पूरा आनंद आ रहा है, देखते रायबरेली और अमेठी में क्या होता, लेकिन ये जब तक पर्चा दाखिल न हो जाए तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, चारू मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। चारू जी, कौन सी खास रणनीति पर काम कर रही है यूपी कांग्रेस और वो डेलीगेशन जो राय जो जिन्होंने सीटों का सर्वे करके दिल्ली में दिया है? देखिए, जहां तक रणनीति की बात है तो हर पार्टी का ये अधिकार, मौलिक अधिकार है कि वो जब चुनाव क्षेत्र में अपने जो कैंडिडेट को उतारता है तो उसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई जाती है कि हमें वहाँ के जाति स्थिति सामाजिक स्थिति आदि को देखकर उसी हिसाब से हम कैंडिडेट उतारते हैं। अब सबसे ज़्यादा चर्चा आज के माहौल में रायबरेली और अमेठी की हो रही है, और क्योंकि तथाकथित लोगों का कहना है कि वीवीआईपी सीट्स रही हैं और इसमें राजीव गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी, इससे पहले इंदिरा गांधी जी, इन सीटों से चुनाव लड़ी हैं। तो अगर इस वीवीआईपी सीट को आज के चुनाव के दौर में आप देख रहे हैं जिसके लिए बहुत चर्चा हो रही है, तो उसके लिए रणनीति सीधी सादी है कि हम मनुष्य का स्वभाव, जो विद्वान होते हैं वो अपने पिछले अनुभवों से ज्ञान लेकर दोबारा उस गलती को ना दोहराएं या वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए प्रयासरत रहती। तो ऐसे में अगर कांग्रेस व सूझबूझ से सोच समझ कर रणनीति या सोच समझ कर किसी कैंडिडेट को उतारना चाहती है या उसे ऐसा लगता है कि पार्टी को कि भाई यहाँ पर राहुल गांधी को उतारना उचित होगा या नहीं होगा, या अमेठी से रायबरेली से आपको रोकूंगा चारू जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, तो चारू मल्होत्रा के पास चलेंगे, वो अपनी बात को खत्म करते हैं फिर चलते हैं हनी संसारी के पास। डॉक्टर चारू जी, राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? और दूसरी बात है कि ये बात कहा जा रहा है कि शायद इनका जनाधार नहीं है, ये लोग डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी जी ने जब इस सीट को छोड़ा तो उस सीट को छोड़ने से पहले उन्होंने रायबरेली के लोगों को एक चिट्ठी भी लिखी और उसमें उन्होंने बाकायदा उनसे एक अनुमति ली और एक परिवार बना रहेगा, ये रिश्ते बने रहेंगे, ऐसी बात भी कही। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परिवर्तन भी एक नियम है, और अगर कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत किसी और व्यक्ति को भी वहां उतारती है तो उसमें, अगर मान लीजिए प्रियंका जी को उतारती है तो ये होगा कि परिवारवाद वाली बात आती है कि यही विपक्षी परिवारवाद को लेकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर वो सोच समझ के रणनीति बना रही है तो वो डर रहे हैं, उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है, उनका जनाधार नहीं है, इस तरीके के आरोप लगते हैं। तो ये तो भाई राजनीति है, चाहे किसी भी तरीके से हो, आरोप लगने ही हैं, इसकी परवाह ये पार्टी नहीं करती, और जो सही होगा पार्टी हित में होगा, और जो लोग चाहेंगे जनता के इच्छा के अनुसार इस सीट पर टिकट दिया जाएगा, और हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सीट पर प्रियंका जी और राहुल जी दोबारा यहाँ पर कंटेस्ट करते हुए आपको दिखाई दें, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हम ये मन बना लिया है कि स्मृति ईरानी की होने की वजह से राहुल गांधी जी वो सीट छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आगे आने वाला समय बताएगा और पार्टी का जैसा निर्देश होगा वो सबके सामने आने ही वाला है, तो इसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बिल्कुल धैर्य तो रखे हुए हैं, वाड्रा जी का बयान आ जाता है तो हमें लगा पूछ लें कहीं फिर हम लोग वाड्रा जी को अमेठी की सीट पर ना देखें। खैर अनीस अंसारी जी, आपकी सबसे ज़्यादा डेकोरम वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा एक डिसिप्लिन है आपकी पार्टी में, आप
के जो पार्टी है वो बड़ा तेज एक्शन करती है किसी भी चीज पर, वो भी अभी अमेठी और माफ करिएगा रायबरेली में प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। सुन नहीं पा रहा हूं मैं आपको, आप म्यूट हैं जी। विशाल जी जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए जहां तक रायबरेली की बात है, 1967 से ये सीट लगातार कांग्रेस के पास रही। दो बार बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, सन 1996 और 98 के चुनाव। उससे पहले एक बार और बीएलडी के कोई प्रत्याशी जीते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां तक बात अमेठी की आती है, अमेठी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी जी जब चुनाव लड़ती हैं और राहुल गांधी जो एकमात्र कांग्रेस के मतलब पुश्तैनी राजकुमार हारे वहां से, उन्हें अपनी जमीनी हकीकत पता चली, उन्हें पता चल गया कि उनकी जो चुनावी जमीन है वो खिसक चुकी है। इसीलिए उन्होंने विकल्प के रूप में वायनाड, उन्हें पहले ही पता था कि जब भारतीय जनता पार्टी आंधी तूफान की तरह आ रही है स्मृति ईरानी के रूप में, वहां इनकी दाल गलने वाली है। इसलिए इन्होंने ऑप्शन चूज किया वायनाड का। वायनाड से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, ठीक है। एक समय हुआ करता था 89 के आसपास का, वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी की मात्र पूरे हिंदुस्तान में दो सीटें होती थी, उस समय पर वायनाड भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। रही बात अलग अलग चुनाव लड़ने की, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, आपने प्रश्न किया रायबरेली से प्रत्याशी हम क्यों नहीं उतार पाए। हम तो ये देख रहे हैं, अभी समय भी है, लगभग मेरे विचार से 5वें चरण में वहां चुनाव है, हम विचार कर रहे हैं अभी, अच्छा प्रत्याशी सीट जीतना है हमें, अच्छा प्रत्याशी वहां का उतारा जाएगा। साजिद भाई की साजिद भाई की पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे, अभी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले, क्रॉस वोटिंग के लीडर थे, उनका नाम भी चल रहा, उनको नहीं उनसे बात नहीं बन पा रही है क्या, मनोज पांडे जी से? बात बनने ना बनने की नहीं है, ये पत्ते खोले जाएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ने दीजिए फिर हम अपने पत्ते खोलेंगे। पिछले 10 सालों से आप जीत रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 के 80 विधानसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, इसकी मैं आपको पहले से ही एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूं। अरे मुझे, मैं कहां से प्रत्याशी हूं भाई, मुबारकबाद आपने प्रत्याशियों को दीजिएगा, लेकिन कुछ सीटें हैं उन पे तो बता दीजिए ना, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, अब बताइए, ऐसे तमाम सीटें, इन नामों पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है भाई। नहीं, जवाब देने की बात नहीं है। केसरगंज से कौन, देवरिया से कौन, देवरिया में भी आप मुझसे पूछ रहे हैं केसरगंज डुमरिया इन सीटों पर, डुमरिया पर जगदम्बिका पाल हो गए ना, केसरगंज में, केसरगंज देवरिया पूछ रहा हूं मैं, जहां से रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं जी। देखिए अभी अभी चुनाव समिति जो है वो बैठ रही है, एक दो दिन में चुनाव समिति बैठेगी और चुनाव के कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। हमारी है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की कोई पुश्तैनी, कांग्रेस वालों की तरह कोई पुश्तैनी सीट नहीं होती हमारे यहाँ पर, कोई इस तरह का नहीं होता है कि ये आज चाचा को मिली, कल भतीजे को मिली, परसों उनके दादाजी को मिली, अगले दिन उनके पोते को मिली। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जमीन से उठाकर लाया जाता है, जो बेसिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उनको चुनाव लड़ाया जाता है। अभी कोर कमेटी तय करेगी और तय जो होगा कैंडिडेट उसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी। सरोजी नगर से विधायक है राजेश्वर सिंह, जानते होंगे आप जी, वो कार्यकर्ता थे? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, अरे कार्यकर्ताओं को टिकट तो दीजिए भाई साहब, आईएएस आईपीएस को टिकट मिलेगा तो कौन कार्यकर्ता है? वो हमारे प्रत्याशी हैं, उन्हें टिकट दिया गया उन्हें, और वो अच्छे अच्छी पोस्ट पर हैं, वो अच्छे पारिवारिक हैं, वो मतलब खानदानी लोग हैं, वो उनको टिकट दिया, इसमें क्या बुरा है? अरे मैं कह रहा हूँ फिर वो कार्यकर्ता कहाँ गए सरोजी नगर के? एक एमएलसी और बनाए गए, वो भी आईएएस थे, एके शर्मा जी वो आए, वो फिर कार्यकर्ता कहाँ गया? फिर कार्यकर्ता कहाँ गया? हमारे यहाँ कोई सीट किसी एक की बकौती नहीं होती, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सभी को मौका दिया जाता है कि आप चुनाव लड़ें, आप कार्यकर्ता के रूप में। सांसद कौशल किशोर, सांसद कौशल किशोर हैं मोहनलालगंज से सांसद, उनकी पत्नी विधायक है जी, मोहनलालगंज से सांसद है कौशल किशोर, और वहीं पर एक विधानसभा है उससे विधायक भी है उनकी पत्नी। हाँ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, वो भी कार्यकर्ता के रूप में आई,
उन्होंने जमीनी स्तर से काम किया, उन्होंने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। आप माननीय राजनाथ सिंह के बेटे को ले लीजिए, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, संगठन में काम किया, पंकज सिंह ने काम किया, सही बात ये तो है। चलिए नीरज सिंह की भी उम्मीद है कुछ मिल जाएगा उनको, अभी बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, अभी दो बार तो मोदी जी नाम ले चुके हैं, बिल्कुल काम करने वालों को मिलेगा। तो राजेश्वर सिंह ने क्या काम किया था ये तो बता दीजिए। तो राजेश्वर सिंह पार्टी में आए, वो अच्छे परिवार से हैं, उनकी वहाँ वोट बैंक भी अच्छा है, अब तो काम कर रहे हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी। सुल्तानपुर के रहने वाले, लखनऊ से विधायक हुए हैं। हाँ जी, चलिए बस यही बता रहा था मैं कि उनका वहाँ की सेवा की है उन्होंने, उन्होंने देश की सेवा की है, अच्छे दायित्व पर रहे हैं वो। बिल्कुल साजिद भाई, आपके यहाँ भी बड़ी टालमटोली चल रही है, चाचा ने अपने लड़के को टिकट देने की बात कर दी है, तो यहाँ पर भी मामला गड़बड़ा रहा है। अखिलेश यादव के पास जिसने वो पहली रिपोर्ट पहुँचाई थी कि भाई ये प्रत्याशी जीत रहे हैं, उसको अखिलेश यादव को अपने कमरे में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि उसी ने सारा रायता फैलाया है और अब अखिलेश यादव के मत्थे मर दिया गया। ये अध्यक्ष जी आप देखिए, रोज एक नया आदमी आता है, अखिलेश जी से मैंने उस दिन भी कहा था यही हो रहा है, ऐसे एक पन्ना देता है, इस पर साइन करवा दे करके दे देगा कि ये हम 10 लोग लेके आए, ये हमारी जनसंख्या है इतने में, और इनको आप टिकट दे दीजिए, यही बार बार हो रहा है। और फिर हुआ, अब बदायूं से शिवपाल यादव ने अपना नाम पीछे हट के आदित्य यादव को कर दिया आगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में कोई रहना चाहे वो बहुत कमजोर है, तो उन्हें मालूम है कि हमारा बच्चा ही जीत लेगा इनसे। अच्छा समाजवादी पार्टी ये तो गलत है, आप चुनाव में अड़े और आप ऐसा तो वो मान रहे कि भाई खुद हार मान लिए शिवपाल चाचा ने, तो वो लड़के को आगे कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। फिर तो तीन लाख वोटों से जीत रहे हैं हम, हार मान लिया, और वहां से विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग की थी सपा के, और अपना मुंह झुका रहे हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत लंबी टिकट के दावेदारों की लाइन है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जहां लोग हार के डर से लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने बंगाल में टिकट वापस कर दिए, बिहार में टिकट वापस कर दिए, गुजरात में वापस कर दिए, यूपी में वापस कर दिए, और डर खौफ इतना है कि अभी भी 12 टिकट घोषित नहीं कर पाई है बीजेपी, अभी भी उनको केवल मिले हैं। समाजवादी पार्टी जहां लड़ना है लगभग टिकट तय कर चुकी है और लगातार घोषित कर रही है। अब बात रह गई राहुल गांधी जी की अमेठी और रायबरेली की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना घबराई हुई है इंडिया गठबंधन से कि उसकी निगाह केवल अमेठी और रायबरेली और मैनपुरी पर लगी हुई है और आजमगढ़ पे। आप देखिए तो नाम घोषित करवाइए ना। चलिए बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बात कंप्लीट हो जाए, आप अपने करिए, आप अपने करिए, वायनाड में 26 को वोटिंग होनी है, वहां दूसरे चरण में मतदान है 26 अप्रैल को, और अमेठी और रायबरेली में 5 बार चरण में चुनाव, वो आप छोड़ दीजिए, वो तो देखिए एक बार अगर दिल्ली के बाहर से छींका टूट गया तो इतना बड़ा वो नहीं है। राहुल गांधी जी बड़ी पर्सनैलिटी है देश की, और अब तक वो 2004, 9 और 14 का चुनाव लड़े हैं, तो ये समझ लीजिए जो विपक्षी सेकंड पोजीशन पर आए तो 1 लाख वोट नहीं मिले। आप 2009 में वहां राहुल गांधी जी को मिले 3,90,179 वोट, और वहां बसपा के कैंडिडेट को मिले केवल 99,326 वोट, और 2009 में राहुल गांधी जी को मिले 4,64,195 वोट। बीएसपी को वहां सपा का, अपनी पार्टी का, साजिद भाई थोड़ा सपा का भी पढ़ लेते, थोड़ा सपा का भी पढ़ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के अपने पड़ोस सीट पे आ जाइए, बदायूं का जवाब दीजिए ना। बदायूं में समाजवादी पार्टी का कब्जा था 8-10 हजार, पांचवा नाम घोषित किया है आपने, आपके पास कुछ है ही नहीं वहाँ, कैंडिडेटों की लाइन लगी है तभी तो घोषित हो रहे हैं, आपके यहाँ दावेदार ही नहीं है, एक ही परिवार के हैं, जी बिल्कुल साहिद भाई रोकूंगा, अनिश जी आपको भी रोकूंगा, सुरेंद्र सर के पास चलेंगे फाइल कबर्ट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी, चलिए विशाल जी पूरी बात हो जाने दीजिए, चलिए 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 कर लीजिए, नहीं मुझे लगा कि देखिए ये और ये हमारे भाजपा के साथी को अभी पूरा ज्ञान नहीं है, इन्हें मालूम है कि 84 में वायनाड भी जीती थी, तो इन्हें पहले ज्ञान पूरा कर ले, जो 2 सीटें 1984 में बीजेपी जीती है वो आंध्र प्रदेश की हनामगढ़ हनामकोड़ा है और गुजरात की मेवाड़ा है, ये कह रहा है वायनाड बीजेपी ने जीती थी,
तो इनसे कहो थोड़ा पढ़ के बैठा करें। और जा रही है आप तक आवाज, अब आपस की बात में मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग। पांचवें चरण में चुनाव है, वहां को लेकर इतने बेचैन ना हो, ये हम चुनाव हार रहे हैं उसमें ये परेशान है, बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, इनको तो आवारा पशु सही कर देंगे इस बार, तो आवारा पशुओं के चक्कर में किसान रात भर जाग रहा है, खेतों पर उसका परिवार वो पटक पटक के मार रहे हैं, वो इस बार बीजेपी को भी करा देंगे। आप लोग पशुओं को घेरने के ही काम में आओगे, चिंता ना करो, जमीन आपकी जमीन साजिद भाई रोकूंगा आपको, आपको रोकूंगा, समय की कमी है अनीस भाई, आपको भी रोकूंगा, फाइनल कमेंट सुरेंद्र सर से लूंगा फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। सुरेंद्र सर, सर म्यूट है आप, हाँ क्लियर हो गया, हाँ सर आवाज जी। देखिये मैं ये कह रहा था कि मैंने जो आपने परीक्षा, आजकल एंकर से बड़ी कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं, आपका किसी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, सब आपको घुमाते रहे। जब आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी रणनीति है कि हम कब क्या करेंगे, बहुत अच्छी बात, सबकी रणनीति होती। बीजेपी के पास गए, आपने पूछा कि फलाने के पुत्र या फलाने की पत्नी, उनका नहीं बहुत बड़ी नेता है, मुझे तो ये लगा कहीं ऐसा ना कर दे कि नहीं हमारे यहाँ जो लोग रिश्ते में होते उनसे इस्तीफा, मतलब इस्तीफा दिला देते कि हम पति हैं, हम पत्नी पद से इस्तीफा दे रहे, अब बीजेपी के प्रत्याशी हो गए, कोई ऐसी परंपरा से सर, हो सकता कुछ अधिनियम बने हो, हाँ कुछ नियम बने हो कि भाई ऐसा हो जाता है, समाजवादी पार्टी वाले भी हो सकता है कह दे कि नहीं हमारे यहाँ तो बस खाली मुंह से कह देते शिवपाल यादव कि नहीं लड़का, वो नहीं कहते दूसरा कह देता कि लड़ेंगे, और बेचारे अखिलेश यादव बड़े चक्कर में जाते। ये हम लोग जो हम चक्कर की तरह घूम रहे हैं, असली समस्या हम लोगों की हो गई, हमारी आपकी, आप जो सवाल पूछते जवाब नहीं देते, फिर आप फाइनली हमारे पास आ जाते जब सुरेंद्र दुबे जी इस डिबेट को क्लोज करें, कैसे क्लोज करें, जब कहीं किसी छात्र ने प्रश्न पत्र में कुछ लिखा हो तब नंबर दे, जिससे इतिहास का सवाल पूछा वो भूगोल समझाता रहा, जिससे भूगोल का सवाल पूछा वो गणित समझाता रहा, तो हम भी भाई यही कह रहे हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब मार्क्स आएंगे तो देखा जाएगा कि कौन बच्चा अच्छा है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, सुरेंद्र सर आपका भी, चारू जी आपका भी, साजिद भाई आपका भी, अनीस भाई आपका भी।